हमारा भव्य प्रेम मंदिर देखो किस तरीके से कलर चेंज कर लिया भव्य प्रेम मंदिर ने। गाइस कैसे हो आप सब, अभी हम आ चुके हैं अपनी नव सवारी लेके प्रेम मंदिर। ये है वृंदावन का प्रेम मंदिर और काफी पॉपुलर हो चुका है जब से ओपन हुआ है। तो चलिए आज विजिट करते हैं प्रेम मंदिर को। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस व्लॉग। गाइस ये है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जगत गुरु कृपालु परिषद ने बनवाया था, जगत गुरु कृपालु थे उन्होंने बनवाया था। और यहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है, वो निकास है। तो यहाँ से एंट्री करते हैं अपन। तो चलिए गाइस अब एंट्री करते हैं। तो गाइस जैसे ही आप एंट्री करते हो सामने दिखाई देता है भव्य प्रेम मंदिर। लेकिन उसके प्रेम मंदिर के स्टार्टिंग से साइड में आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर दृश्य। ये विभिन्न झांकियां हैं, अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही मिडनाइट होगी तो स्टार्ट भी होंगी। तो अभी फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। मैं प्रेम मंदिर के अंदर आ चुका हूँ तो आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। एक्चुअल में यहाँ जो मजा है ना, यहाँ जो आनंद है ना, वो आनंद है यहाँ पर जब ये लाइटनिंग होती है, यानी रात को आनंद है इस जगह को देखने का, इस मंदिर को देखने का। ये है प्रेम मंदिर का एंट्री गेट। आप जैसे देखिए कितना शानदार लग रहा है लाइटनिंग के साथ। वहाँ पे प्रेम मंदिर का राधे राधे का बोर्ड लगा हुआ है और ये फर्स्ट व्यू हमारे प्रेम मंदिर का आता है। लेकिन इसके तरफ हम बाद में चलेंगे। आपको इससे पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड में जैसी एंट्री करते हो आपको बहुत ही अच्छी जो है एक सीनरी देखने को मिलेगी। सीनरी भी ऐसी लगेगी जैसे रियल है। एक्चुअल मैं देख रहा हूँ वहाँ पे वो शेषनाग, तो उसको आपको पास से दिखाता हूँ मैं। तो गाइस देखिए ये शेषनाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान नाचते हुए, ये उस चीज का दृश्य जब बॉल तालाब में कुंड में चले गए थे और वो शेषनाग के ऊपर आए थे, तो उस चीज का दृश्य है। अभी भी इसका पूरी तरह से अभी देखो अभी चलेगा जब पता चलेगा, बहुत ही शानदार व्यू है। देखिए गाइस अब शेषनाग आपको लहराता हुआ नजर आएगा, देख रहे हो आप शेष नाग भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। श्री कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं। ये है वहां से दिखा देता हूँ, वहाँ यहाँ से पानी आ रहा है झरना और ये झरना पूरा इस तरीके से बह रहा है। एंड देन ये ब्यूटीफुल देख रहे हो आप किस तरीके से, मतलब दृश्य जो है जो धाम है कन्हैया जगह उसको दिखाया गया है, जहाँ पे इन्होंने गोकुलवास को दिखाया गया है प्रेयर करते हुए। तो बहुत ही शानदार दृश्य। अब रुक करते हैं प्रेम मंदिर की तरफ, हमारा भव्य प्रेम मंदिर कितनी लाइटनिंग के साथ इतना खूबसूरत लगता है जिसकी कोई हद नहीं है। और जो ये कलर चेंज होते हैं, ओह हो माय गॉड, अभी देखो धीरे धीरे कलर चेंज कर लेगा, अपना पूरा कलर चेंज कर लेगा। तो ये जो लाइटनिंग है ना, यही यहाँ की देखने लायक है। कलाकृति तो है ही जानदार, लेकिन लाइटनिंग के साथ भी बहुत अच्छा खेल किया गया है। और ये देखो ये प्रेम मंदिर जो बीच में प्रेम का बना हो, ये भी बहुत लाइटनिंग के साथ चेंज होता रहता है। तो अभी हम चलते हैं, देखो किस तरीके से कलर चेंज कर लिया भव्य प्रेम मंदिर ने। मजा आ गया, देख के ही मजा आ रहा है इसको, तो इतना लुभावना दृश्य है। ओहो सीरियसली प्रेम मंदिर से प्रेम हो गया है हमें, बहुत ही शानदार। तो चलिए गाइस अब थोड़ा एक्चुअल में इधर से ये एंट्री बंद कर रखी है, अब आप इसको पूरा परिक्रमा लगा के और फिर वहाँ मेन गेट पे जाना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं भव्य प्रेम मंदिर को अंदर से। गाइस आपको एक चीज बता दूं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद जो है रात में आने का है। शाम के 7-6 बजे के आसपास आप आ जाइए और जो आनंद आपको यहाँ फील होगा, जो प्रेम यहाँ फील होगा, उसकी मतलब व्याख्या नहीं है। वो यहाँ कर ही फील होगा, कोई कितना ही वर्णन कर ले वो आपको नहीं पता चलेगा। गाइस मैं तो इसके परिक्रमा लगा रहा हूँ फिलहाल प्रेम मंदिर के। कलरिंग देखिए यार, क्या कलरिंग है भाई, शानदार। और ये लोग बाग जाते हुए तो अब चक्कर लगाना पड़ रहा है पूरा। ओह माय गॉड लुक एट दैट कलर मैन। तो गाइस परिक्रमा के अपन ये पीछे की साइड आ चुके हैं, अब येलो कलर जैसा हो गया बिल्कुल एक साइड। और इसके जस्ट सामने आपको दिखा दूं क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कृष्ण की लीला दिखाई गई है कि किस तरीके से वो ग्वाले का अपना रूप करते थे, ये इतनी सारे गाय माता। और यहाँ पर बीच में कृष्ण जो है ग्वाले के रूप में इनकी देख रेख करते हुए। वाओ तो चलिए गाइस अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इस प्रेम मंदिर को। तो स्टिल अभी भी वॉक कर रहा हूँ मैं। अब देखिए गाइस चांदी जैसे चमक रहा है मजा आ गया यार, कलरिंग ही तो बहुत शानदार ही है। और ये एक व्यू, ये कैंटीन है, यहाँ पर पिक्चर लगी बहुत बड़ी सारी एलईडी, जहाँ पे कृपालु महाराज के
संदेश चलते रहते हैं। और यहाँ पर ये गेट पर जो है इस तरीके से लीलाएं दिखाई गई है महिलाओं की, क्या बात है। और प्रेम मंदिर की तरफ भरता हुआ मैं अब अंदर की तरफ चलेंगे अपन। गाइस चलते हैं, एंट्री गेट पर ये हाथी लगे हुए हैं, एक उधर लगा हुआ है, और ये इस तरीके से ऊपर अब चढ़ते हैं। और ये बहुत बड़ा चौक लगा हुआ है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से इधर नहीं जाने दिया जा रहा है ना उधर जाने दिया जा रहा है, आपको सीधा दर्शन के लिए जाने ही काला हुआ है। बस कुछ थोड़ी सी देर और इस मंदिर को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। चलिए गाइस अब अंदर आ चुके हैं लाइटनिंग, ये हमारा प्रेम मंदिर, अब अंदर की तरफ चलेंगे और देखते हैं अंदर कैसा दिखावे दृश्य है। वाओ शानदार खंबे बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से। अब चलते हैं ऊपर की ओर, ऊपर भी एक भव्य दृश्य है, कलाकृति बहुत शानदार लगी। बताते हो आपको सबसे पहले जगत गुरु कृपाल महाराज की इस तरीके की वो दिखती है। चलते हैं बाकी शानदार झुमका, इतना शानदार है। और ये हमारे किशन जी इधर लीला करते हुए, चली गए। जब नीचे चलते हैं ऊपर तो इतना ही था, बाकी डबल मंजिल का ये मंदिर काफी भव्य है, अच्छा लगा। अब चलते हैं नीचे, कैमरे भी यहाँ लगे हुए हैं। तो गाइस दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं, अब थोड़ा बाहर जैसे बाहर निकलते हो आप तो राइट हैंड साइड में भी कुछ देखने लायक चीजें लगी हुई हैं, जैसे कि कुछ आपको दिखाते हैं जो किशन की लीला है उनको एक तरीके है। गाइस इस तरीके से यहाँ पे कुछ सीनरी आ जाती है जिनको मैं आपको पास से दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए गाइस ये राधे कृष्ण भगवान, और यहाँ पर लीलाएं चल रही हैं श्री कृष्ण राधे भगवान की, भजन की मुद्रा में, मतलब संगीत की मुद्रा में सारी जो स्त्री गोकुलवासियाँ हैं वो बैठी हैं, कितना सुंदर दृश्य है। बस नेक्स्ट आप जाते हो तो फिर वापस से यहाँ पर कृष्ण राधे माँ और ये बहुत सारी गोकुलवासियाँ, तो किस तरीका कितना सुंदर दृश्य यहाँ दिखाया गया, शानदार मजे आ गए। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ फव्वारों के बीच कितना सुंदर दृश्य है एक बार फिर ये देखिए, कितना सुंदर दृश्य है, अति सुंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाली में जो है आपको इस सिंगरी का मतलब तो मुझे पता नहीं, पर ये आई थिंक गेम की सिचुएशन है, गेम की कंडीशन जो है दिखाई गई, दोनों गेम खेलते हुए वो चीज़ दिखाई गई, खेल खेला करते हुए। ये था प्रेम मंदिर हमारा, कैसा लगा गाइस व्लॉग जरूर बताना कमेंट करके, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, आपके प्यार का सदा इंतजार रहता है। तो राधे राधे सभी को,